अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लंदन वाले। तो जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रीनरी। हम लोग आज एक बार फिर से आए हैं बेलहस पार्क, और आने के पीछे भी एक ख़ास रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अभी हम फ़िलहाल पार्किंग में हैं, और लकीली पार्किंग हमें मिल गई क्योंकि अब समर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हर जगह बीच पे और हर जगह किस तरह रश होता है, तो पार्क्स में भी बहुत रश होता है। तो चलें आप हमारे साथ रहें, देखते जाएं। अब मैं पहले करूंगा पार्किंग पे, देखते हैं आज पार्किंग कितनी पे करनी है। हाँ जी, तो पार्किंग हमने पे कर दी। अब जो है ना, यहाँ पे लंबी वॉक होती है पार्क तक जाने के लिए, वो लंबी वॉक ज़रा कर लें। हाँ जी, तो जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग गए हुए थे बीच, तो बीच पे जाते वक्त हमने कुछ बनाए थे ब्रेड के सैंडविचेस, तो उनके जो क्रस्ट्स हैं किनारे वो बच गए थे। तो नॉर्मली तो मेरी मिसेस जो है उनका क्या करती होती हैं, अंडे डाल के एक मीठा सा हलवा बनाती हैं, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि हलवा नहीं, इस बार हम वो डक्स को खिलाएंगे। हरीम का आइडिया था कि जी बेलहस पार्क चलते हैं और उनको जो है ना डक्स को खिलाते हैं, तो हम आए हैं जी डक्स को खाना खिलाने। तो चलें देखते जाएं, आपको दिखाते हैं जी। हरीम, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ब्रेड। ब्रेड, इसको क्या करने आए हो आप? फीड द डक्स। क्या? फीड द डक्स। उर्दू में बताओ ना। डक्स को खाना देना है। डक्स को खाना देना है? ये पकड़ी। ये पकड़। डर वाला ये डकी। आपको डर नहीं लग रहा डक से? रमीन, आर यू स्केर्ड? जी बचपन की याद ताज़ा आ गई, हम छोटे होते भी बत्तखों को खाना खिलाते होते थे। मैं जाता था अपने तायाबू के साथ, मुझे अब याद नहीं जगह, ओस्लो में वो एक ब्रिज होता था, वहाँ पे एक लेक थी, उसके अंदर तायाबू और मैं जो है ना रोटियाँ फेंकते होते थे। मेरे तायाबू को याद होगा, मैं तो अब अगली नेक्स्ट टाइम गया ना तो ज़रूर उधर जगह को विज़िट करूँगा। ले जी, ये जो है ये हरीम साहिबा हैं, इनको शौक़ भी है लेकिन इनको डर भी बहुत लगता है। इसको शौक़ बिल्कुल नहीं लेकिन इसका इसको डर भी नहीं लगता। ये जब आती है अभी इंजॉय करेगी और बाद में ये भूल जाएगी, और ये बीच बीच में बत्तखों को डांटती भी है। आप अगर नोट करेंगे ना, कोई इसका कहना नहीं मानेगा तो ये इसको डांटती है। ये देखिए रमीन, लुक बेबी, बेबी डक। She not listening to you. Ow. 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 ये देखिए जी, मेरी बेटी को डर लग रहा है। अब इसको लेके हम जो है ना जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह बेंच, जहाँ पे जी मेरी कोशिश होती है कहीं भी जाओ बेंच मिल जाए तो उस पर बैठ जाओ, क्योंकि उन्होंने बैठने के लिए ही तो
पर उन्होंने बैठने के लिए तो बेंच बनाए हैं ना। ये देखो, ये बेंच जो है किसी रॉबर्ट विलियम पाल्मर ने डोनेट किया था आई थिंक। ये फिश है, इसको ये देखो, फादर ग्रैंडफादर हस्बैंड एंड फ्रेंड लव्ड यू देन लव यू नाउ लव यू ऑलवेज फॉरएवर इन आवर हार्ट्स। ये जो है ये किसी कोई अंकल डेड हो गए थे, मे बी अंकल ग्रैंडफादर क्या 1999 में, तो उनको जो है ना उनके चिल्ड्रन ने ये पार्क को ये किया दिया था फ्री में। सो एवरीवन हु सिट्स ऑन इट प्रे फॉर हिज। ओके ले जी, मुझे कह के लाया गया था कि डक को हमने सिर्फ खाना खिलाने जाना है, यहाँ पे आके जो है ना मेरे साथ चीटिंग हो गई। अब ये लोग इधर प्ले एरिया में आ गए हैं, और प्ले एरिया में आने का मतलब है 2 घंटे पार। तो मुझे तो ये एक स्पॉट मिल गया है सायादार, मैं तो उधर बैठ गया हूँ, बच्चे लगे हुए खेलने, और बेगम ने जो है बना ली है टीम बच्चों के साथ। तो क्या हो सकता है जी, वो कहते हैं ना मेजॉरिटी गेट्स द प्रायोरिटी, तो हमारे साथ वही हिसाब होता है हर दफ़ा। आप लोग बस देखते जाएं। देखें जी रमीन, ये बड़े बच्चों वाले खेल है जो ये छोटी बच्ची इतने आराम से कर लेती है कि मैं खुद हैरान हूँ। 3 साल की है और 5 साल वाले बच्चों वाले खेल खेलती है। ये वो उन्होंने ये बनाया हुआ है सारा, तो इसने खुद से अकेले ये सारा क्लाइम किया माशाल्लाह। हरीम ये क्या हो रहा है, हरीम ये क्या हो रहा है, म्यूजिक? आपको ये रीड करना आता है? आई थिंक सो। किधर लर्न किया आपने? ओके हरीम, टाइम टू गो नाउ, चले मीनो। हम अब घर जाएंगे, घर जाके मिल्क शेक पियेंगे। मीनो, रमीन किधर जा रही हो, घर चले? मेरे बहुत मजा आ रहा है, मैंने एक फ्रेंड भी बना, बट अब माय गर्ल लाल है, मैं सब खुश भी नहीं है, मैंने घर नहीं जाना, मैंने इधर सोना है। नहीं जी, बड़ा मज़ा आया, अब हम घर जाके पियेंगे मिल्क शेक, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन ओबियसली फ्रूट का ही होगा। तो आप लोग देखते जाएं, हमारे साथ रहें, घर चल के होती है बात। ये क्या हो रहा है जी, हैं मज़े भी करते हैं और एंड पे फिर मज़े करते हैं, हैं रमीन ये आपकी न्यू राइड है, यू लाइक दिस राइड? What this ride is called? It's for daddy. This is daddy ride? Yeah. जी इधर बारियां लगी हुई हैं, एक की बारी खत्म दूसरी की शुरू। वैसे रमीन का वजन ज्यादा था। Are you having good time? Very good time. Okay. जी तो घर पहुंच गए हम, अभी हमने बनाना और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया है, शावर करके अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ। गर्मी आज बहुत है, आज तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान वाली गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि घरों में उस तरह पंखे नहीं लगे होते छत पे,
लेकिन वो हमारे पास है वाटर कूलर हमने रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो गई। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं जी। हमने पार्क में बड़ा मज़ा किया, थक गया मैं एज यूजुअल। तो मिलते हैं जी फिर अगले व्लॉग में। अपना सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।